हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पाइथन सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग की है। पाइथन प्रोग्रामिंग में खास क्या है, क्या सिखाऊंगा आपको, स्क्रीन पे दिखाई पड़ ही रहा होगा। यहां पर एक कोड लिखा है मैंने पाइथन का, जिसकी मदद से हम ग्रेड कैलकुलेट करेंगे। ग्रेड ही नहीं बल्कि एवरेज भी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ग्रेड तो एवरेज के ही आधार पर कैलकुलेट होगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से मैंने लिखा है। इसमें एलिफ दिया है। एलिफ क्यों दिया है, एलिफ देने के पीछे रीजन क्या है? देखिए, एलिफ अगर नहीं देंगे तो हमें ग्रेड सिर्फ ए और फेल नहीं रखना, यानी केवल दो ही ग्रेड तो रखना नहीं है। तो अगर दो कंडीशन होती है तो इफ और एल्स की कंडीशन हम देते हैं, लेकिन इसमें हमें कंडीशन के अंदर कंडीशन, कंडीशन के अंदर कंडीशन, कई कंडीशन देने हैं, इसीलिए मैंने एलिफ का प्रयोग किया है। तो आप भी इसी तरीके से एलिफ का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए इस प्रोग्राम को एक बार चलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये हमने रन करवाया, यहाँ पर आ रहा है एंटर मार्क्स ऑब्टेंड इन 5 सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ 77, ठीक है, ये हो गया आपका। फिर यहाँ पे 88 एंटर किया, फिर यहाँ पे 88 एंटर किया, फिर यहाँ पे 78 एंटर किया, फिर यहाँ पे 67 एंटर किया। अब आप देख सकते हैं ग्रेड आ रहा है B1, देख सकते हैं कि नहीं। अगर आप एवरेज को नहीं कैलकुलेट करेंगे तो ग्रेड नहीं कैलकुलेट होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, आप देख सकते हैं पहला सब्जेक्ट मैथ का है तो ये मैथ का नंबर है, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री का तो ये केमिस्ट्री का नंबर 88 है। फिर फिजिक्स है तो फिजिक्स में 78 है। कैसे कंप्यूटर में देख सकते हैं क्या है। तो पांचों सब्जेक्ट के नंबर एंटर हुए और यहाँ पे ग्रेड आया है B1। अब ग्रेड की क्राइटेरिया चेंज हो सकती है, आप चाहे तो अलग क्राइटेरिया के साथ भी ये कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।